सकते हैं आप, ये पुराना यह स्तंभ प्राचीन ब्रह्मकुंड का एक ब्रज अवशेष। दर्शनम में आज आप मेरे साथ में मानसिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन करेंगे जो कि है वृंदावन में। इस पूरे जो स्थान की कहानी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि कैसे शिव जी की इच्छा हुई थी महाराज को देखने की, तो उन्होंने गोपी का स्वरूप लिया था। तब गोपी जब बने तो वो गोपेश्वर कहलाए। तो आज मैं उसी स्थान पर हूं, ब्रह्मकुंड वृंदावन का, जहां पर शिव जी ने कुंड में डुबकी लगाई और वो जो है गोपेश्वर बन गए। तो वो कुंड जिसका कि नाम है ब्रह्मकुंड, और ये रंगनाथ मंदिर के पास में है, वृंदावन के जो रंगनाथ जी मंदिर है उनके पास में है। और आप इसको देख सकते हैं कि कुंड के ऊपर ब्रह्मा जी बने हुए हैं। तो ब्रह्मा जी से क्या मतलब है इस कुंड का, क्या कहानी रही होगी? क्यों? क्योंकि अगर जब शिव जी ने यहाँ पे डुबकी लगाई और गोपेश्वर बन गए, तो फिर ब्रह्मा जी क्यों है? तो ब्रह्मा जी की कहानी यहाँ पर ये है कि एक बार ब्रह्मा जी को ये शंका या डाउट हुआ कि ये जो श्री कृष्ण है वो नॉर्मल ग्वाल बाले के रूप में है और उनमें कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर श्री कृष्ण की जो गाय वगैरह थी उनको गायब कर लिया था। उनको गायब कर लिया था तो क्या हुआ था, फिर श्री कृष्ण ने फिर अपने शक्तियों से उनको फिर प्रकट किया गाय वगैरह को। तब ब्रह्मा को जी को विश्वास हुआ कि जो है ये जो है एक हरि का रूप है। और जो है फिर उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी, पर श्री कृष्ण ने माफ नहीं किया। तो यहाँ पर आके ब्रह्मा जी ने जो है श्री हरि की या श्री कृष्ण की तपस्या में करी माफी मांगने के लिए। और यहाँ पर जब तपस्या करी तब जाके श्री कृष्ण ने उनको माफ किया। तो आप ये देख सकते हैं ब्रह्मा कुंड बहुत ही इसकी मान्यता है। और मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया हुआ है, वो स्थान बताया हुआ है जहां पर राधा जी गुस्सा होकर चली गई थी, उन्होंने आंसुओं से सरोवर बना दिया था इसी वजह से कि शिव जी की इच्छा हुई थी महाराज को देखने की, महाराज में हिस्सा लेने की। और यहीं पर ही नारद भी, नारद मुनि जो है नारदी गोपी रूप में भी आए थे। तो शिव जी और नारद की इच्छा हुई थी तब उनको गोपी रूप में जो है यहाँ पर इसी स्थान पर गोपी रूप लिया और महाराज में जो है भाग लिया। और ब्रह्मकुंड का ब्रह्मा जी से जो कहानी है वो मैंने आपको बताई दी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कुंड है ये यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति जो थी ये टूट गई थी और फिर इसका जो है रिनोवेट करके फिर से इसको ठीक करा गया। और पहले इसमें पानी भी नहीं था तो इसमें पानी भी डाला गया। अभी हाल फिलहाल में ये पानी थोड़ा गंदा है। और अगर आप इनके यहाँ के आसपास की दीवारों पर देखोगे तो यहाँ पे आसपास की दीवारों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ की दीवारों को दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि बंदरों को आपको पता ही है कि यहाँ पर वृंदावन के बंदर जो है बहुत ही ज्यादा शैतान है। तो आपको देखो सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो एक यहाँ पे बनी हुई है, ये जो बनी हुई है ये पर जो लिखा हुआ है वो मिट गया है। तो इन्होंने तपस्या करी थी श्री कृष्ण की, बहुत सारे भजन वगैरह तपस्या करी, ये पूजा पाठ करी। तो ये उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है। और वहां पर आप देख सकते हैं, दूर उधर दिखाओ जरा, वहां पर तीन और तीन छह और सात गोस्वामी बने हुए हैं जिन्होंने की वृंदावन के जगहों की खोज करी है, बताया है उनके बारे में। तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा पास से जाके और देखते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे पास में ये दो जो है पिलर बने हुए हैं जो कि जो पुराना जो स्वरूप था इस ब्रह्मा कुंड का, ये उसके अवशेष बचे हुए हैं। तो चलो आओ पहले ये पिलर को देखते हैं, आ जाओ। तो ये देख सकते हैं आप, ये पुराना यह स्तंभ प्राचीन ब्रह्म कुंड का एक अवशेष बचा हुआ है कह सकते हैं। तो एक पिलर ये है और एक पिलर वो वहां पे सामने है, वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इस ऑफ एंशियंट ब्रह्मा कुंड। तो एक यहाँ पर ये दो कुंड जो पिलर है। यहाँ के पुजारी जी से मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे यहाँ की कहानी बताई। ये करमती करमती बाई जी हैं, ये करमती बाई जी हैं जो कि वृंदावन में आ गई थी। तो ये किसी राजा की वो थी, तो घुड़सवार वगैरह इनको ढूंढने के लिए आए थे। तो
3 दिन तक ढूंढते रहे थे, तो ये एक मरे हुए ऊंट के पेट में बैठी रही थी और उसमें से बदबू आ रही थी, पर इनको चंदन की खुशबू आ रही थी, क्योंकि ये श्री कृष्ण की भक्ति में स्वामी है जिन्होंने की जो है इसके बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है। एक एक करके नीचे दिखाओ, ये श्री जीव गोस्वामी, और ये जो आप देख रहे हैं ये 5,000 वर्ष से भी पुराना कुंड है। और मैंने यहाँ के पुजारी जी से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण नाराज हो गए थे और माफ नहीं कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के आंसुओं की बूंद से जो गिरा यहाँ पर, तो उससे ये जो है कुंड बना है। तो ये ब्रह्मा जी के आंसुओं से बना हुआ कुंड है और 5,000 वर्ष से भी पुराना कुंड ये यहाँ पर बना हुआ है, ब्रह्म कुंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ये फवारा चल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करते, आचमन करते हैं, और इस पवित्र स्थान की अलग ही एक महिमा है, तो अलग ही ये है। ब्रह्मा जी के आंसुओं से बना कुंड है जिसका कि आचमन करने का भी एक अलग इसमें महत्व है। तो यहाँ पर हम आचमन भी कर लेते हैं। जय हो, आदर। चलो, तो ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आपने दर्शन करे हैं उस स्थान के जिसको जो कि ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मा जी के आंखों से बना है, और यहाँ पर नारद जी और शिव जी को गोपी स्वरूप मिला, और यहाँ पर श्री कृष्ण की जो लीला थी जिसमें कि ब्रह्मा जी ने उनके गाय और ग्वालों को गायब कर दिया था। तो बहुत ही प्राचीन स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है इसका, रंगनाथ जी मंदिर के एकदम पास है। तो ऐसे ही ब्रज के पुराने प्रसिद्ध राधा कृष्ण से जुड़े हुए स्थानों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी ब्रज के प्राचीन स्थल में। तब तक के लिए राधे राधे।